प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के कमीरनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। विपक्ष ने पहले ही हार मान लिया है क्योंकि लोगों ने भाजपा को रिकॉर्ड संख्या के साथ आशीर्वाद देने का फैसला किया है। पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा हमेशा राष्ट्र पहले नीति पर काम करती है, जबकि कांग्रेस और बीआरएस परिवार पहले के सिद्धांत पर काम करते हैं। उनके राजनीतिक दल परिवार द्वारा की तरह है, परिवार के लिए परिवार के लिए। कांग्रेस और बीआरएस अलग नहीं है, और उन्हें क्या जोड़ता है? भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण की राजनीति और शून्य शासन का मॉडल इन दोनों पार्टियों को जोड़ता है। परिवार पहले की इस नीति के कारण कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को अपमान किया है। कल देश में तीसरे चरण का चुनाव पूरा हो गया है। देश में कांग्रेस और इंडी अलायंस का तीसरा फ्यूज उड़ गया है। मित्रों, अभी चार चरण के चुनाव बाकी है। जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बीजेपी और एनडीए तेजी से, बीजेपी हमेशा नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के सिद्धांत पर चलती है, जबकि तेलंगाना में कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट इस पर चलती है। ये लोग ऐसे हैं, इनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी है, बाय द फैमिली, फैमिली फर्स्ट की इसी नीति की वजह से कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव जी का भी अपमान किया। उनके निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर का भी अपमान किया। कांग्रेस दफ्तर में एंट्री तक नहीं दी। ये बीजेपी एनडीए सरकार है जिसने पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से सम्मानित